दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो अभी आप लोगों को दिखाई देने वाला है, जो आप लोग देखने वाले हैं, ये वीडियो मैंने फ़ोन से शूट किया है, फ़ोन से मैंने इसको रिकॉर्ड किया। इसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आपके असाइनमेंट जो वो ऑनलाइन सबमिट होंगे, ऑनलाइन सबमिट और ऑफलाइन भी सबमिट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन जो सबमिट होंगे उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, फिर चाहे वो आप कंप्यूटर से स्कैन करें या फिर मोबाइल से स्कैन करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मैं ये वीडियो कंप्यूटर से भी बना सकता था, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने इसको फ़ोन से इसलिए बनाया क्योंकि हर व्यक्ति के पास फ़ोन अवेलेबल है बट कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप इत्यादि अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यह कोशिश की है कि आपको सहायता प्रदान कर सके। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आप लोगों के कुछ हेल्प कर सकूं, ना कि आप लोगों की समस्याओं को बढ़ाऊं। इसलिए मैंने ये वीडियो फ़ोन से शूट किया है ताकि ये आप लोगों को समझ में आए अच्छे से और आप लोग फ़ोन से ही अपने असाइनमेंट को सबमिट कर पाए। और इससे पिछली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे हम लोग असाइनमेंट को स्कैन करेंगे दोस्तों, ये भी मैंने अपने फ़ोन से ही शूट किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो, सुविधा हो आप लोगों को स्कैन करने में, ठीक है। तो अब हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए अपने इंटेंशन की ओर बढ़ते हैं, अपने मोटो की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम लोग जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनकी ओर से नया नोटिफिकेशन आया था कि जो अब आप लोगों के असाइनमेंट जो ऑनलाइन भी सबमिट हो सकते हैं, तो हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे कि कैसे आखिर हम लोग अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। तो उसका जो हेडिंग होगा, प्रत्येक PDF का जो टाइटल होगा, हम लोग उस टाइटल में क्या लिखेंगे और RC के ईमेल ID में हम लोग किन किन बातों को मेंशन करेंगे ताकि वो हमारे जो मेल, हमारे जो असाइनमेंट हैं, जो भी ऑनलाइन असाइनमेंट हम लोग सबमिट करेंगे उसको एक्सेप्ट कर लें। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैंने जो है आखिर हम लोग किस तरह से असाइनमेंट को जो है ऑनलाइन स्कैन करके ऑनलाइन सबमिट करेंगे, इसकी जो वीडियो है मैंने पहले ही बना रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग ऊपर के आई बटन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग आज ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारा जो असाइनमेंट है वो बेहतर हो, अच्छे से अच्छा हो, उसकी टाइटल क्या लिखनी है, उसका जो ईमेल आईडी में क्या क्या हम लोगों को मेंशन करना होगा, हम लोग किस तरह से जो है आखिर फ्रंट पेज लगाएंगे और फिर कैसे हम लोग असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ऑल ओवर इंडिया इग्नू के इग्नू के 27 रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है। तो हर रीजनल सेंटर ने अभी तक अपना कोई ईमेल आईडी जारी नहीं किया है, पब्लिश नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं दिया है। लगभग 12 से 13 रीजनल सेंटर ने अभी तक इस असाइनमेंट सबमिशन, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपको किस ईमेल आईडी में जो है आखिर आप लोगों को असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने हैं। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होगी आपको कि किस ईमेल आईडी में आखिर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस रीजनल सेंटर का नाम बता देना, मैं आप लोगों को उस रीजनल सेंटर की आईडी, जो ईमेल आईडी है, जो जीमेल आईडी है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग व्हाट्सएप नंबर ले करके मेरे से व्हाट्सएप पे भी चैट करके आप लोग इन सारी बातों को जान सकते हैं, ठीक है। और तो अब हम लोग सीधे चलते हैं कि आखिर असाइनमेंट जो हम लोग स्कैन करेंगे उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से पहले ही चर्चा कर ली थी कि असाइनमेंट कैसे हम लोग स्कैन करेंगे, तो हम लोग उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग सीधे देखिए, मेरे स्क्रीन पर भी खुला हुआ है कि आखिर हम लोग असाइनमेंट जो BPSC 132 का वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कैसे हमने BPSC 132 का असाइनमेंट स्कैन किया था। तो मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जो आखिर किसी भी परिस्थिति में आप लोगों का जो है वो फ्रंट पेज लगाना हर PDF में अनिवार्य है कि आपका जो सब्जेक्ट कोड क्या है जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स भरे होंगे। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप लोग, हर PDF का फ्रंट पेज, जैसा कि इस BPSC 132 के फ्रंट पेज में मैंने लिखा है कि आपका जो मेरा जो बेसिक डिटेल है, इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट कोड, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, फिर उसके बाद स्टडी सेंटर कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जो बेसिक डिटेल्स आपको हर PDF में लगानी ही लगानी है, ये बात आप लोग मेंशन कर लो दोस्तों। ये बात कंफर्म, एकदम 100% श्योर हो जाओ आपको फ्रंट पेज लगाना है, फिर चाहे ये फ्रंट पेज आप अपने हाथों से बनाएं या फिर ये
मैं आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा फॉर्मेट, आप उसे डाउनलोड करके भर ले, फिलअप कर ले, कोई मैटर नहीं करता। बस आपके बेसिक डिटेल्स उसमें होने चाहिए, फ्रंट पेज अच्छा होना चाहिए, फिर चाहे वो हैंडमेड हो, हैंड रिटन हो, या फिर कंप्यूटराइज्ड हो या प्रिंटेड हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग फ्रंट पेज अटैच करने के बाद, फ्रंट पेज का स्कैन करने के बाद, हम लोगों को क्वेश्चन पेपर अटैच करने हैं। मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर अटैच नहीं किया दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारे रीजनल सेंटर्स ने क्वेश्चन पेपर अटैच करने को नहीं अटैच करने के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। अब क्यों नोटिफिकेशन नहीं दिया है, इसकी कोई इसका कोई अता पता नहीं है। एक्चुअली वास्तव में सही बात है, क्वेश्चन पेपर अटैच करना कोई ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग पहले फ्रंट पेज स्कैन करना, फिर उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट का पीडीएफ बना रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी स्कैन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप लोग उसके आंसर्स, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों इस आंसर्स जो है आप लोगों की स्क्रीन पे दिए गए हैं, इस तरह से आप लोग अपने अपने जो है आंसर्स को स्कैन कर लेना। इतने कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि अब जो है आप लोगों को टाइटल लिखना है पीडीएफ का। अब टाइटल कैसे लिखते हैं, जो कि इग्नू ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी करके बताया कैसे लिखना, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो ऐप है, इसका नाम है दोस्तों एडोबी स्कैन का ऐप है, ठीक है। आप लोग चाहे तो कैम स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं पीडीएफ बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप किसी भी पीडीएफ मेकर का यूज़ करें, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीडीएफ आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सीधे चर्चा करते हैं कि आखिर हम लोग इसका टाइटल क्या लिखेंगे इस पीडीएफ का। तो हम लोग इसको खोलते नहीं, अर्थात हम लोग इस पर इसके रेड पेंसिल जैसा एक बटन बनाया हुआ है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। हम लोग जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, अब इसको हम लोगों को क्रॉस कर देना। अब हम लोगों को सबसे पहले अपना पीडीएफ में नाम, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को अपना इनरोलमेंट नंबर देना है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए एक इनरोलमेंट नंबर दे देता हूँ, 190745, कुछ भी 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 9 डिजिट हो चुका है, आपको सबसे पहले अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, उसके बाद आपको एक लोअर हाइफेन का यूज करना है। अब लोअर हाइफेन कौन सा है, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ जरा, ये रहा लोअर हाइफेन दोस्तों, ठीक है। अब लोअर हाइफेन लिखने के बाद अब आप लोगों का कौन सा प्रोग्राम है जिसके लिए आप लोगों ने एनरोल्ड किया है। मान लिया जाए कि ये बीपीएससी 132 है, ये बीएजी का प्रोग्राम है, तो आपको लिखना है कैपिटल लेटर में बी ए एंड जी। अब आप लोगों ने ये बीएजी लिख लिया, अब फिर आपको एक लोअर हाइफेन का यूज़ करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे लोअर हाइफेन का भी यूज़ कर लिया। अब देखिए आपका जो जिस सब्जेक्ट कोड का, जिस भी आपको कोर्स कोड का आपने जो है पीडीएफ बनाया है, उस कोर्स कोड का नाम आप लोगों को लिख देना है। जैसे कि मैंने जो ये पीडीएफ बनाया है वो बनाया है बीपीएससी 132 का, तो मैं लिखूँगा बीपीएससी, बीच में एक हाइफेन दूंगा एंड वहाँ लिख दूंगा 132, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। बीपीएससी एक हाइफेन 132 लिख के हमको किस पे क्लिक करना है, रीनेम पे। जैसे ही हम लोग रीनेम पे क्लिक करते हैं, ये जो है सेव हो जाता है। देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख गया होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग देखिए दोस्तों, जहाँ पे लिखा गया है एक रेड पेंसिल का साइन बनाया हुआ, देखिए वहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर है, फिर आपका प्रोग्राम का कोड जो है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट कोड है। ये देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा 19085 8399, फिर लोअर हाइफेन बीएजी जो भी प्रोग्राम है मेरा, या फिर आप लोगों का, फिर लोअर हाइफेन बीपीएससी 132, इस तरह से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग शेयर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हम लोगों को ऑप्शन दिखता है शेयर और कॉपी, हम लोग शेयर और कॉपी पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग जीमेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जीमेल या फिर आपका जो भी ईमेल है, रेडिफ मेल का वेबसाइट हो, या फिर ईमेल की वेबसाइट हो, या याहू की वेबसाइट हो, जो भी रीजनल सेंटर आपको प्रोवाइड कराएगी, आप लोग उस ऑप्शन में से, इस ऑप्शन में से उसको ढूंढ लेना, और फिर ढूंढ करके आपको बस क्लिक करना। तो मैं जैसे कि रीजनल सेंटर, मैं एक उदाहरण लेता हूँ सहरसा का, वहाँ पे जीमेल की जो है जीमेल की आईडी प्रोवाइड कराई, अभी तो कोई भी आईडी प्रोवाइड नहीं कराई गई है, फिर भी बहुत सारे सेंटर्स ने जीमेल की आईडी प्रोवाइड कराई, तो मैं जीमेल पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम लोग जीमेल पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोगों को करना क्या है, फ्रॉम तो ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब टू, आखिर आप किसको सबमिट करना चाहते हैं। अगर मान लिया जाए आपको किसी रीजनल सेंटर पे सबमिट करना, मान लिया जाए मुझे आरसी सहरसा सबमिट करना है, देखिए हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका आरसी सहरसा, मैं आरसी सहरसा पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। जैसे ही आरसी सहरसा क्लिक हो चुका, तो अब आपको मेल किसको करना आप लोगों को समझ में आ चुका, या फिर आप लोग मैनुअली टाइप कर सकते हैं आपको किस
जीमेल आईडी पे इसको सेंड करना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे rcdelhi1 पे सेंड करना है, rcdelhi1@gmail.com इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आ चुका rcdelhi1@gmail.com, आप लोगों को दिख गया होगा। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको जहाँ पे सेंड करना है वो ऑप्शन वहाँ पे आप लोगों को टू वाले सेक्शन में डाल देना है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, कंपोज ईमेल। अब आप लोगों को इस कंपोज ईमेल में करना क्या है दोस्तों, कि आपके जो भी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे भी फिल करना है। जैसे कि आपका सबसे पहले नाम फिल करना है, तो नेम लिखेंगे हम लोग, उसके लिए इज इक्वल टू का ऑप्शन देंगे। मान लीजिए कि मेरा नाम मोहनीश कुमार शाह है, तो मैं लिखूंगा मोहनीश कुमार शाह। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को करना क्या है, उसके नीचे आप लोगों को अपने इनरोलमेंट नंबर देने हैं, इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद मान लेते हैं आपका इनरोलमेंट नंबर जो भी हो आप वो डाल देना, कोई मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि 9 अंकों का इनरोलमेंट नंबर जनवरी 2020 सेशन से पहले होता था, बट जनवरी 2020 सेशन में 10 अंकों का इनरोलमेंट नंबर आ चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अब आप लोगों को करना क्या है, इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद आपका जो रीजनल सेंटर का कोड है, रीजनल सेंटर कोड, ठीक है, रीजनल सेंटर कोड आपका जो भी हो, चाहे 57 हो, 58 हो, जो भी हो वो आप लोग देख लेना, या अगर नहीं आप लोगों को पता चल पा रहा है कि आपका रीजनल सेंटर का कोड क्या है, तो आप लोग अपना रीजनल सेंटर का जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वहाँ बता दूंगा कि इस रीजनल सेंटर का कोड क्या है और इस रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी क्या है। अब आपको करना क्या है कि स्टडी सेंटर का कोड आप लोगों को लिखना है, स्टडी सेंटर कोड, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन देना। आपका जो भी स्टडी सेंटर कोड हो, 25 हो, 50 हो, 585 हो, वो आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को स्टडी सेंटर कोड भी पता ना चले तो आप लोग स्टडी सेंटर कोड का भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को स्टडी सेंटर का कोड भी बता दूंगा। ठीक है, अब आप लोग इतना लिखने के बाद अब आप लोगों को लिखना है प्रोग्राम कोड, आखिर आपका प्रोग्राम क्या है। तो मान लिया जाए कि किसी का प्रोग्राम कोड, ठीक है, मैंने ये जो PDF क्रिएट किया है BAG प्रोग्राम के लिए क्रिएट किया है, जो भी आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, या फिर डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, जो भी डिग्री कर रहे हैं, आप लोगों को उस प्रोग्राम का कोड लिख देना है। जैसे कि BAG बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल का कोड है BAG, तो हम लोग लिख देंगे BAG। अब हम लोगों को करना क्या है, प्रोग्राम कोड लिखने के बाद कोर्स कोड लिखना है, CORSE, कोर्स कोड, ठीक है। अब कोर्स कोड, अब हम लोगों को इसमें किसका कोर्स कोड लिखना है, तो देखिए दोस्तों, आप जिस भी कोर्स का PDF, यहाँ पे कोर्स का PDF आप लोग रीजनल सेंटर को सेंड करेंगे, रीजनल सेंटर की मेल आईडी में सबमिट करेंगे, तो आपको उसका कोर्स कोड लिखना है। जैसे कि मैं BPSC 132 सबमिट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा BP, सारे कैपिटल में लिखने हैं, या स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, BPSC 132, ठीक है। अब आपको अपनी मोबाइल नंबर जो है देनी है, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब मोबाइल नंबर में आपका जो भी मोबाइल नंबर है, चाहे वो आप लोग कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करना कि आप उसी मोबाइल नंबर को इस ईमेल आईडी में प्रोवाइड कराएं जो कि आप लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इग्नू में, ठीक है। अब आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, तो ईमेल आईडी, ठीक है दोस्तों, ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी में आपका जो भी ईमेल आईडी है, जैसे मेरा लिखा हुआ है, मेरा ईमेल आईडी monish.shah@gmail.com, ठीक है, gmail.com, इतना समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए ईमेल आईडी को लेकर के भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स लर्नर के दिमाग में, मैं उस कन्फ्यूजन को भी आप लोगों से दूर कर देता हूं आप लोगों के दिमाग से। देखिए इग्नू ने अभी तक बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि आखिर उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म जो है वो साइबर कैफ़े में फिल किया, और साइबर कैफ़े वाले ने फॉर्म फिल करते समय अपने ईमेल को सबमिट किया था, अपना ईमेल डाला था, तो आखिर अब वे अपने ऑनलाइन असाइनमेंट को कैसे सबमिट करें, ठीक है। तो देखिए इग्नू ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि आपको अपने ही ईमेल आईडी से, जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसी से आपको अपने जो है असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने हैं। तो आप लोग ये शायद दिमाग से निकाल दें कि आपको बस उसी ईमेल आईडी से अपने असाइनमेंट सबमिट करने, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे ख्याल से किसी भी ईमेल आईडी से अपना जो है असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि उसने ईमेल आईडी का ऑप्शन आप लोगों को मेंशन करने के लिए कहा है, जैसा कि मैंने सबसे लास्ट में मेंशन किया है। तो आप लोग रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इसमें मेंशन कर देना, ठीक है, या फिर अपना ईमेल आईडी भी मेंशन कर देना, क्योंकि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तो पता ही होगा साइबर कैफे वाले का है, तो प्रॉब्लम होगा, आप लोग अपना ईमेल आईडी भी मेंशन कर देना, ठीक है। दो ईमेल आईडी मेंशन कर देना, एक अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देना, सबसे पहले अपना करना, फिर जो भी आपका साइबर कैफे का ईमेल आईडी है वो भी आप लोग मेंशन कर देना। तो
इस तरह से ये प्रॉब्लम जो था आप लोगों का सॉल्व हो गया। अब इतना सब कुछ लिखने के बाद आपको करना क्या है कि आपको बस और बस सीधे आपको सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ही हम लोग इस सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो असाइनमेंट है वो सीधे आपके रीजनल सेंटर के मेल आईडी में सबमिट हो चुका होगा। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि कैसे जो है कैसे टाइटल लिखना है, किस तरह से कौन कौन सा कोर्स क्या क्या मेंशन करना है ईमेल आईडी में, ये सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। और ऐसा आपको हर पीडीएफ के लिए करना है, जैसे कि मैंने अभी बीपीएससी 132 का एग्जांपल लेकर के दिखाया, आप चाहे तो ये एग्जांपल बीपीएससी 131 के लिए लीजिए, बीईसीसी 131 के लिए, आपका जो भी कोर्स कोड है आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको टाइटल में अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, लोअर हाइफन का यूज़ करके आपको अपने प्रोग्राम कोड को लिखना है, फिर लोअर हाइफन का यूज़ करके आपको अपने सब्जेक्ट कोड या कोर्स कोड को लिखना है, फिर आपको शेयर करते समय आप जिस ईमेल आईडी को अपना जो ईमेल आईडी जिस पे आप सबमिट करेंगे उसमें आपको अपने बेसिक डिटेल्स को खुद से फिल करने हैं, ठीक है। फिल करने के बाद आपको जो है इसको सेंड कर देना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे सेंटर्स पे क्या हुए हैं कि ईमेल आईडी को हटा करके गूगल डॉक्स का फॉर्म फिल करके जो असाइनमेंट लिया जा रहा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन है कि अब ऑनलाइन असाइनमेंट ही सबमिट होंगे अर्थात ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये भ्रांति है, ये मिथ्या है, बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में। देखिए, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में कंप्लीट लॉकडाउन है, पूरा भारतवर्ष हमारा बंद पड़ा हुआ है, इस वजह से आप अभी स्टडी सेंटर विजिट नहीं कर सकते। इसलिए इग्नू ने ये कोशिश की है कि आपको थोड़ी सहायता प्रदान की जाए, आपको थोड़ी सक्षमता प्रदान की जाए ताकि आप अपने घर में बने रहें और अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकें, ठीक है दोस्तों। जब आप अगर ऐसा होता है कि लॉकडाउन हटता है तो आप अपने स्टडी सेंटर पर जा कर के भी अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि अब आप लोग जो है पूरे अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं और उसके बाद क्या क्या होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अभी के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं, अलविदा। और जो भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके व्हाट्सएप नंबर लें और फिर व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।